हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप हैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी के साथ और हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूले जो मैंने लास्ट वीडियो में डिराइव भी किए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अगर आपके टीचर्स कहते हैं तो, और नहीं कहते हैं तो आप नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं, इट इज अप टू यू। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और दो फॉर्मूले और हैं, कॉस ए प्लस बी का और कॉस ए माइनस बी का। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का भी आप समझ गए होंगे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब इनका इस्तेमाल करके हमको कुछ वैल्यूज निकालनी है, तो आइए वैल्यूज निकालते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ देखते हैं। तो देखिए, आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं पहला क्वेश्चन आपसे शेयर करता हूँ कि फाइंड साइन 75 डिग्री, कॉस 15 डिग्री एंड कॉस 75 डिग्री। तो मैं आपको एक बताता हूँ और फिर दो आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप निकाल दोगे। तो जो साइन 75 डिग्री है, आप उसको ऐसा लिख दें जिनके एंगल्स आपको पता है। 75 में आपको किसका पता है? 45 और 30 का। तो आप इसको 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख दें, तो ये आप 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख देंगे तो आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा, साइन ए कॉस बी। ए इसको मान ले, बी इसको मान ले, तो ये जाएगा साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2 और इसकी वैल्यू है √3/2, इसकी वैल्यू है 1/√2 और इसकी 1/2। दोनों को डिनोमिनेटर सेम है, 2√2, ऊपर वाले आपके डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे √3+1। इसी तरीके से आप कॉस 15 डिग्री की भी निकाल सकते हो, कॉस 15 डिग्री की भी वैल्यू सेम ही आएगी, √3+1/2√2, पर मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप इस वैल्यू को निकाल दें। और तीसरी वैल्यू है आपकी कॉस 75 डिग्री की, कॉस 75 डिग्री की वैल्यू आएगी √3-1/2√2। आप और भी एक नई वैल्यू है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास साइन 105 डिग्री है, तो साइन 105 डिग्री को आप लिख सकते हो 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इस तरीके से आप इसको भी निकाल सकते हो। तो ये आपकी कुछ वैल्यूज हमने इस्तेमाल करके, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके निकाल दी। सारी नहीं निकाल सकते, कुछ एकदम वो है ऑर्गेनाइज्ड वैल्यूज़ होंगी, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ ही होंगी जो इनसे निकलती होंगी। जैसे आप कहोगे कि 13 डिग्री की निकाल दो, 12 डिग्री की निकाल दो, तो वो नहीं निकलेंगी, फिर उनके लिए थोड़ी सी हमने ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी आपको क्वेश्चंस जो होंगे बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड ही आएंगे और जो इन फॉर्मूलों के यूज़ से काम बनते होंगे वही आएंगे, तो आपको इस तरीके की चिंता नहीं करनी। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे कि आपको आ गया फाइंड कॉस 80 डिग्री कॉस 20 डिग्री प्लस साइन 80 डिग्री साइन 20 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालो। तब कैसे निकालोगे? तब आप दिमाग खर्च करो। क्या दिमाग खर्च करोगे कि इसमें कोई फार्मूला फिट बैठता है क्या? यहाँ सॉरी माइनस है, हाँ प्लस है, एग्जैक्टली प्लस है। तो ये आपका कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या बन गया आपका? कॉस ऑफ ए माइनस बी बन गया। तो ये उस फार्मूले के यूज से क्या बन जाएगा आपका? कॉस 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू डाल दीजिए, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू है आपका 1/2, तो ये आपका वैल्यू हो गया, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। तो इस तरीके से देखा आपने कि इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। कभी आपको प्रूव दैट भी दे देते हैं, चलो प्रूव दैट का एक डिस्कशन कर लेते हैं कि प्रूव दैट, ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी दिया है
एन प्लस टू एक्स कॉस एन प्लस वन एक्स प्लस साइन एन प्लस टू एक्स साइन एन प्लस वन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। फिर देखो आप कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आपके पास, वही लग रहा है कॉस ए, कौन सा लग रहा है आपका कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस बी। तो यही फॉर्मूला लग गया, ए कौन है आपका ए ये है, बी कौन है आपका ये बी है आपका, ए और बी फिर चेंज तो नहीं होंगे, पूरे क्वेश्चन में एक जैसे ही रहेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कॉस एन प्लस वन एन प्लस टू एक्स माइनस एन प्लस वन एक्स। ठीक है, आप इसको ओपन कर दें तो ये जाएगा कॉस एन एक्स प्लस टू एक्स माइनस एन एक्स माइनस एक्स, एन एक्स एन एक्स कैंसिल, टू एक्स में से एक्स कैंसिल, क्या आ जाएगा आपका कॉस एक्स। अब आपको एक और मैं क्वेश्चन देता हूँ जो इसी टाइप का क्वेश्चन है, कॉस पाई बाय फोर माइनस एक्स कॉस पाई बाय फोर माइनस वाई प्लस सॉरी माइनस कर लें तो माइनस से आपको थोड़ा ज़्यादा सीखने को मिलेगा, साइन पाई बाय फोर माइनस एक्स साइन पाई बाय फोर माइनस वाई इज इक्वल टू, प्रूव करना है आपको, क्या प्रूव करना है दोस्तों, इसमें प्रूव करना है आपको कि ये साइन ऑफ एक्स प्लस वाई होता है। तो फिर आप वही देखिए आपका फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी मतलब पाई बाय फोर प्लस एक्स ओ सॉरी पाई बाय फोर माइनस एक्स प्लस पाई बाय फोर माइनस वाई, किस तरह से हुआ तो यूजिंग द फॉर्मूला, कौन सा फार्मूला यूज करने से, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं होते हैं, यूजिंग द फार्मूला, और वो फार्मूला आप कोट कर दीजिएगा कि जो फार्मूला आपने यूज़ किया है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ यूजिंग कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या हो जाता है आपका कॉस ए प्लस बी। अब ये हो जाएगा कॉस पाई बाय फोर 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री कॉस 90 डिग्री माइनस कॉमन ले लें आप तो एक्स प्लस वाई हो गया। अब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा आपको मालूम है साइन थीटा होता है तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस वाई। और इस तरीके से दोस्तों ये प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया, ये क्वेश्चन प्रूव हो गया कि कॉस ऑफ दिस मच माइनस साइन ऑफ जो भी लिखा है इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। अब आगे बढ़ें कि क्वेश्चन नंबर फाइव आपको है प्रूव दैट का, आप अपने हिसाब से इसको धीमा तेज कर सकते हैं, वीडियो को स्किप भी करना हो तो आप अपने हिसाब से कर लें अगर आपको कॉन्फिडेंस आए, पर मेरी एक बार सलाह है कि आप एक बार देख लें और फिर ही आगे बढ़ें और देखें ज़रूर, वरना बिना देखे आप आगे बढ़ जाएंगे तो भी एक अच्छा वो उसका साइन नहीं है। तो आप क्वेश्चन नंबर फाइव देख रहे हैं, अब इसमें ऐसा क्वेश्चन आ गया कि प्रूव दैट साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस वाई को हमें प्रूव करना है टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन टेन एक्स माइनस टेन वाई। तो अभी आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर तक आप LHS से ही प्रूव करते थे, अब इसमें ऐसा नहीं चलता है, आप RHS से कर सकते हो LHS से कर सकते हो जहाँ से आपको कंफर्टेबल लगे, मेरे लिए तो दोनों तरफ से बराबर है, लेकिन आपके लिए जहाँ ज़्यादा स्टफ़ हो तो ज़्यादा स्टफ़ आपको किस साइड है राइट हैंड साइड दिख रहा है तो राइट हैंड साइड देखें, और टाइम अगर आप बचाते हैं तो डायरेक्ट टेन एक्स की वैल्यू डाल दें साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस वाई अपॉन में क्या आ जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स
माइनस साइन वाई अपॉन कॉस वाई, और आप एलसीएम ले लें तो क्या आएगा आपके पास, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई होल अपॉन साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, और अपॉन में क्या आएगा आपके पास कॉस एक्स कॉस वाई। अब ये कॉस एक्स कॉस वाई कैंसिल, ऊपर आप देख लें साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई किसके जैसा हो गया, साइन ए प्लस बी जैसा हो गया, तो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई अपॉन नीचे हो गया आपका साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, तो ये आपका एल एच एस आ गया। नाउ दिस इज व्हाट एल एच एस हेंस प्रूव्ड। और एल एच एस से चलते तो इसका उल्टा उल्टा चलना पड़ता, पहले ये लिखना पड़ता फिर आपको कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड करना होता। आप उससे भी ट्राई कर सकते हैं और मुझे लिख के भेज सकते हैं अपने कमेंट्स, तो आप उससे भी ट्राई करें और मुझे लिखें। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन करने को देता हूँ जिसको आप सेल्फ ट्राई करेंगे और कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, बहुत सिंपल है, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। तो आपको कुछ करना नहीं, दोनों की वैल्यू लिखना है ऊपर ऊपर नीचे नीचे, पर यहाँ जब वैल्यू लिखेंगे तो ब्रैकेट लगाइएगा वैल्यू लिखते टाइम, वैल्यू लिखते टाइम क्या लगा देंगे आप, ब्रैकेट लगा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये आपके पास क्या आना चाहिए वो मैं लिखता हूँ, ये आएगा आपके पास टेन एक्स कॉट वाई। तो ये आपको दोस्तों प्रूव करना है, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं टेन एक्स अपॉन टेन वाई, दोनों ही आप समझते हो, टेन वाई जब ऊपर जाता है तो क्या बन जाता है कॉट वाई, कुछ भी नहीं करना, इसकी वैल्यू इनकी वैल्यू रखना है, माइनस के बाद आप ब्रैकेट ज़रूर लगाइए, माइनस के बाद ब्रैकेट लगाएंगे तो आपको तभी सही आंसर मिलेगा, वरना आपसे गलती हो जाएगी और आपका आंसर गलत हो जाएगा। आए कुछ आगे का देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेवन देखें। सेवेंथ क्वेश्चन में आपको अगर मान लीजिए ऐसा दिया है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आपको दिया है कि ए जो है आपका वो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, पाई बाय टू से लेके पाई तक है, जो बी आपका है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से चालू हो जाता है, पाई से लेके थ्री पाई बाय टू, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और साइन ए की वैल्यू दे दी आपको, साइन ए की वैल्यू उन्होंने दे दी आपको थ्री बाय फाइव, और आपको इधर दे दी है साइन बी की वैल्यू, साइन बी की वैल्यू दे दी उन्होंने माइनस सेवन बाय ट्वेंटी फोर। तो आपको पूछते हैं कि आप साइन ऑफ ए माइनस बी निकालिए, फाइंड क्या करना है आपको, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, तो आप इसमें से डायरेक्ट इसको माइनस मत करिए, आपको साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है, कैसे लगाएंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। पर इसका आपको याद हो मैंने एक लेक्चर भी बनाया है जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकाली हैं जब एक वैल्यू दी होती है, तो आपको इस केस में क्या दिया हुआ है, साइन ए इज इक्वल टू थ्री बाय फाइव दिया है, तो साइन ए की जगह साइन ए रख दीजिएगा, दिक्कत की बात नहीं है, पर कॉस ए की जगह क्या रखेंगे, तो फिर आप साइन ए के बेसिस पे पहले कॉस ए निकालिए, साइन ए के बेसिस पे देखो मैं कॉस ए निकालता हूँ, कॉस ए क्या होगा, तो पहले इसका एक राइट ट्राइंगल बनाए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेन्यूज से, तो ये थ्री हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा फाइव, और ये हाइपरटेन्यूज के ये बेस हो जाएगा आपका फोर, पाइथागोरस से, बेस पाइथागोरस से हुआ ना, बेस कैसे निकालते हो आप, बेस निकालते हो आप एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा आपका फाइव स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर, ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन सिक्सटीन, सिक्सटीन का स्क्वायर रूट फोर, और प्लस माइनस नहीं ओनली प्लस, क्योंकि इस ये डिस्टेंस है, तो कॉस ए क्या होगा इस फॉर्मूले, इस देखिए आपने फिर से समझ लिया, ये बी की जगह मैं बेस की जगह स्मॉल बी भी लिख सकता हूँ,
क्योंकि इसमें भी कैपिटल बी आ रहा है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो। तो देखिए कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपरटेन्यूस होता है, और बेस अपॉन हाइपरटेन्यूस के लिए वैल्यू लिखना है आपको कॉस ए की बेस अपॉन हाइपरटेन्यूस, तो 4/5 ये तो आपको आता है, लेकिन अब इसमें प्लस और माइनस ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो ए कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, सेकेंड में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ध्यान से सुनिए साइन प्लस होता है, इसीलिए ये वैल्यू आपकी प्लस में दी हुई है, पर कॉस प्लस में नहीं होता, तो कॉस की वैल्यू होगी -4/5। क्यों होगी? बिकॉज ए बिलोंग्स टू, इस निशान का मतलब मैंने बता रखा है, बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट, सेकेंड, ए बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, इसलिए। अब इसके बेसिस पे क्या निकाल लो आप, इसके बेसिस पे कॉस भी निकाल लो, फिर आप ये वैल्यू यहाँ रख दो। तो जब इसके बेसिस पे आप कॉस भी निकालने जाओगे, तो फिर कॉस भी के लिए वापस ट्राइंगल बनाओगे, ट्राइंगल बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेन्यूस, 7/24, 7/24 की जगह एक काम करें हम, अगर 25 ले लें तो हमारा कोऑर्डिनेशन एकदम अच्छा हो जाएगा, फिर ये ठीक वैल्यू आ जाएगी। तो ये 7 है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव आपको सिखाना इस तरह के क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस नहीं करनी, इसलिए। तो ये हो जाएगा आपका √25² - 7² तो ये आपके पास देखो √25² - 7² आया, ये आ गया आपका बेस। तो 25 - 7 × 25 + 7, तो 25 + 7 आपको मालूम है कितना होता है, 32 होता है, और 25 - 7 16 होता है, ठीक है। तो 16 है, और ये कितना है आपका, 32 है। एक बार देख लेते, इसको कैलकुलेट ही कर देते तो आपका काम आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 25² = 625, 49 माइनस कर दो, और 15 में से 9 गए तो आपके पास 6 बचेंगे, और 12 में से आपके पास गए 4, तो ये आपके पास बचेंगे 8, और ये हो गया आपका एग्जैक्टली कितना वैल्यू होगा इसका, 25 - 7 × 25 + 7, ये हो जाएगा 32, और 25 - 7 ये हो जाएगा आपका, ये हो गया ओके 18 हो जाएगा, वो मैं 16 लिख रहा था इसलिए गलत हो रहा था, वही मैं सोचूं, इसका 24 आता है वैल्यू, आप निकाल के भी देख सकते हैं, 576 आएगा, और 576 होने के कारण इसकी वैल्यू 24 हो जाएगी। तो आप देख लीजिएगा 24 ही आएगा। तो अब हम आगे कैलकुलेट कर लेते हैं कि कॉस आपको क्या निकालना है, इसके बेसिस पे कॉस भी निकालना है। तो कॉस भी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बेस अपॉन, तो बेस अपॉन हाइपरटेन्यूस, और बी कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो -24/25 आ गया। ये वैल्यूज़ आपको यहाँ रखनी पड़ेगी, कहाँ पर रखनी पड़ेगी, यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ये वैल्यूज़ रख देता हूँ, तो यहाँ पे वैल्यूज़ जब रखेंगे तो दिस इज़ इक्वल टू दिस, और साइन ए का वैल्यू आप देख लें, साइन ए का वैल्यू है 3/5, कॉस बी का वैल्यू है आपका -24/25, और अगर मान लीजिए 7/24 ही दिया होता तो जैसा कैलकुलेशन होता वैसे ही कैलकुलेशन आप रख देते, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। माइनस कॉस ए, कॉस ए का वैल्यू देख लें आप, कॉस ए का वैल्यू है -4/5, ये -4/5, और किसका वैल्यू लिखना है आपको, कॉस ए के बाद साइन बी का, तो साइन बी का वैल्यू -7/25 है। अब बस आपको कैलकुलेट करना है, और कोई खास काम नहीं रह गया, -(-+) हो गया, ये -(+), और 24 × 3 = 72 हो जाएगा, तो -72, और माइनस ये हो जाएगा 7 × 4 = 28, और अपॉन में आ जाएगा 5 × 25, या 125 लिख दो, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अपन 125, और ये हो जाएगा मेरे ख्याल से -100/125, -4/5। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, इट इज़ अप टू यू नाउ, कैलकुलेशन कोई बहुत मुश्किल तो है नहीं। तो ये एक क्वेश्चन था जो इस पे बेस्ड था। अब दो और फॉर्मूले आएंगे दोस्तों, वो टेन के होंगे, साइन और कॉस से ही निकलते हैं वो भी, तो
तो मैं दो फॉर्मूले और आपके इंट्रोड्यूस करता हूँ, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ये कैसे आते हैं? ये इनसे ही आते हैं फॉर्मूले, किन से? इन दोनों की हेल्प से ही आते हैं, साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी की हेल्प से ही आते हैं। मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ कि कैसे आते हैं। अब हमारा अगला प्रॉब्लम होगा प्रॉब्लम नंबर 8, तो हम इसको ध्यान रखेंगे, 8 जब प्रॉब्लम करेंगे तो इसका कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं, ठीक है। अब इसका यूज़ करके मैंने आपको जैसे बोला कि कैसे आता है, तो देखिए आप टेन ए प्लस बी को कैसा लिख सकते हो, टेन ए प्लस बी को लिख सकते हो आप साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब आप ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करो, तभी ये फॉर्मूला आएगा। तो ये फॉर्मूला है, डेरिवेशन टाइप की बात है, तो यू विल हैव टू कीप इन माइंड। वैसे इसका डेरिवेशन पूछते नहीं है, फिर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ भाई, नॉलेज ऐसी चीज़ है कि नॉलेज सबका होना चाहिए और आपको मेथड सब मालूम हो। जब आप इसको कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करेंगे तो इसके नीचे लिख दीजिए, काटने का मन हो रहा तो अभी काट दो, इधर भी लिख दो, कॉस ए साइन बी ये इससे कैंसिल कर, देखो आपका आ गया ना टेन ए प्लस टेन बी, और इधर क्या जाएगा कॉस ए कॉस बी। सबको डिवाइड करना, ऊपर हो नीचे हो सबको डिवाइड करना, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका वन माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा आपका, देखिए टेन ए आ गया ना, साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए प्लस ये हो गया टेन बी, ये हो गया वन और ये हो जाएगा टेन ए टेन बी। तो इस तरीके से आपने ये भी प्रूव कर लिया, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला भी डिराइव हुआ। अब अगर इसी तरीके से टेन ए माइनस बी का है, अब उसको डिराइव नहीं करके देखना क्योंकि वो उसका इसी तरीके से होता है, और इनके जो डेरिवेशंस हैं इसके लिए आप मेरा एक पिछला वीडियो देख लेंगे, आपको इसके डेरिवेशंस भी मैंने दिए हैं और मैंने बताया है कि डेरिवेशंस एग्ज़ाम में आते नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखना चाहेंगे तो यू आर मोस्ट वेलकम और आई विल बी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मैथमेटिक्स में और इंटरेस्ट ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और मुझसे ज़्यादा कोई खुश नहीं होगा। तो मेरी बेस्ट विशेष है कि आप इनके डेरिवेशंस भी देखें और आगे बढ़े। अब हमारा प्रॉब्लम नंबर 8 है, फॉर्मूले आखिरी तक नहीं मिटाए मैंने ताकि आपको कॉन्फिडेंस लगातार बना रहे, कॉन्फिडेंस बना रहना बहुत बड़ी चीज़ है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको लेके 10 वाले क्वेश्चन पे आता हूँ, ये मेरे दिमाग से निकल गया था, अभी याद आया मुझे कि ये बच्चों को कराने लायक है। साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, साइन बी माइनस सी कॉस बी कॉस सी, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में सारा खेल जो है बच्चों फॉर्मूलों का है, कॉस सी कॉस ए इज इक्वल टू जीरो। इसमें मैं पहला वाला पार्ट करता हूँ पहले के जैसे ही दूसरे और तीसरे होते हैं, तो वो मैं आपके भरोसे छोड़ता हूँ क्योंकि आप इतने सिंसियर बच्चे हो और वीडियो देख रहे हो। जैसा मैंने पहला किया है वैसा की वैसा ही आपको दूसरा करना है, दूसरे में फॉर्मूला बदल जाएगा, फॉर्मूला बी और सी के लिए, इसमें फॉर्मूला सी और ए के लिए लगेगा, फिर आप इसको सेपरेट करना, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए कॉस बी, इसके अपॉन में आ जाएगा कॉस ए कॉस बी से कॉस बी कैंसिल, कॉस ए साइन बी अपॉन में आ जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस प्लस और जो आएगा वो, तो वो क्या आएगा इसके बेसिस पे आप समझ सकते हो, ये आया है टेन ए, ये आया है टेन बी। जब आप इसको करते जा रहे होगे तो ये आया होगा आपके पास टेन बी
माइनस टेन सी, यह आएगा आपके पास टेन सी माइनस टेन ए, टेन ए से ये टेन ए कैंसिल। ये आपको करना है, मेरी तरह से नहीं लिखना है, आपको तो सिंप्लीफाई करना है, आपका समय कीमती है इसलिए मैंने आपके साथ ये पूरा लिखा नहीं। आप, मैं समझ गया कि इस तरीके के क्वेश्चंस को आप डील कर लोगे और इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा, आंसर हो जाएगा आपका जीरो। तो ये था क्वेश्चन नंबर एट। अब आगे भी बढ़ते हैं, हम बहुत आराम से करेंगे, आप देखते जाइए। अब अगर आपको ऐसा भी हो जाए कि फाइंड 10-15 डिग्री, फाइंड वैल्यू ऑफ 10-15 डिग्री, 10-75 डिग्री, तो वो भी आप निकाल सकते हो। किनका यूज करके निकालोगे? हमने अभी साइन की पढ़ रखी थी, कॉस की भी देख रखी थी, आप इन दोनों फॉर्मूलों का भी यूज़ नहीं किया था, तो अब इनका यूज़ करके आप 10-15 डिग्री निकाल सकते हो, 10-75 डिग्री निकाल सकते हो। तो ये अब आप दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हो, और इसे मैं कैलकुलेट कर, मैंने मेरे लिए कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि सर आंसर लिख दें कि भाई हमारा आंसर क्या आना चाहिए, तो मैं आपका आंसर लिख देता हूँ कि आपको आंसर ये आना चाहिए, रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन, और 10-75 डिग्री में आपके पास आएगा, ताकि आप क्रॉस चेक कर पाओगे, रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन, रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन। आप ऐसे ही साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी को मिला के, और कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को मिला के दो फॉर्मूले और बनते हैं, वो दोनों फार्मूले भी मैं आपको बताता हूँ, फिर आप उनको भी दिमाग में रखिएगा। फिर अगले वीडियो में मैं 10 से रिलेटेड क्वेश्चंस करूँगा, जिसमें 10 ए प्लस बी, 10 ए माइनस बी का यूज़ होगा, और दो फार्मूले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो फार्मूले ये हैं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो आपको लग रहा होगा हाँ ये तो हमें क्लियर है, यही होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी में कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी नहीं होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसलिए मैं कह रहा था कि ये वैसा नहीं है जैसा हम बहुत सरलता से सोच रहे थे। हाँ, इसमें हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, तो वो एक एडवांटेज की तरह है, तो वो एक एडवांटेज की तरह है। ये हमारा प्रॉब्लम 9 था, अब अगला प्रॉब्लम अगर हम करेंगे तो वो 10th होगा। तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, पहले इसको खोल देते हैं, तो ये साइन ए प्लस साइन बी करके नहीं खुल जाएगा, प्रॉपर्टी लगेगी, फॉर्मूला लगेगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, और ये खुलेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब आप इसको समझें, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये जाएगा साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हो गया तो मैं दोनों का स्क्वायर स्क्वायर भी अलग कर देता हूँ, है ना, समय भी बचेगा, क्योंकि वीडियो क्लास में समय का बड़ा महत्व है, इसमें भी स्क्वायर स्क्वायर अलग कर दिए। अब यहाँ पे देखिए, साइन स्क्वायर ए को वैसे ही लिखता हूँ, और कॉस स्क्वायर ए बी की जगह फार्मूला लगा दिया, वन माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए की जगह लगा दिया फार्मूला। इनकी जगह क्यों लगाया? क्योंकि हमको क्या प्रूव करना है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसा प्रूव करना है। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज अ फॉर्मूला, बट कैन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन जैसा भी पूछ सकते हैं, सो कीप इन माइंड, इसको ध्यान रखें। तो हमने कॉस को ही चेंज किया, साइन को चेंज नहीं किया, तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। अब इसको ओपन कर लें आप, आपका आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस प्लस माइनस साइन स्क्वायर बी, और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो ये आपका ये इससे इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, हो गया ना ये प्रूव।
साइन स्क्वायर ए माइनस, देखिए बच गया ये साइन स्क्वायर ए बच गया और ये साइन स्क्वायर बी, तो हेंस इट इज प्रूव्ड. तो सिमिलरली आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू टू प्रूव दिस. इसका प्रूफ आप सेल्फ करिए, सेल्फ हेल्प, सेल्फ ट्राई करिए. प्रॉब्लम आएगी तो यू आर मोस्ट वेलकम. मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं आप, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा मेल आईडी देख सकते हैं. ठीक है, तो मेरी इन्हीं सारी बेस्ट विशेस के साथ आपको ये वीडियो समर्पित है, डेडिकेटेड है, डिवोटेड है. और आप ध्यान से सुनिए कि आप इसमें मन लगा के करें और सारे क्वेश्चन जो मैं बताता हूँ एक्सरसाइज बतौर. अब हम 10th क्वेश्चन आपको अगले वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे. क्रॉस नहीं लिखता हूँ मैं, हटा देता हूँ यहाँ क्रॉस से, इसको समाप्त नहीं करते इस वीडियो को. और मेरी बेस्ट विशेस के साथ समाप्त कर रहा हूँ मैं आपको. ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, जो दोज हु आर वॉचिंग दिस. और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो से जुड़े, अगली क्लास देखें और सारे वीडियोस से कनेक्ट रहें. आप अपने मैथ्स को अच्छा कर लें. मान लीजिए किसी टॉपिक में आप पीछे से वीक हैं या आप आगे का बहुत पढ़ना चाहते हो, तो मेरे सारे वीडियोस ऑनलाइन हैं एंड दे आर एट फ्री ऑफ कॉस्ट. तो और नो हिडन इंटरेस्ट इज देयर एक्सेप्ट डिवोशन एंड डेडिकेशन. केवल बच्चों के लिए. और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि वो बच्चे भी देख पाएँ जिनको अच्छी सुविधाएं बहुत नहीं मिल पा रही हैं. दोज हु आर फ्रॉम डिप्राइव्ड कैटेगरी, इवन दे कैन वॉच एंड कैन एन्जॉय एंड कैन लर्न समथिंग फ्रॉम दीज वीडियोस. और ये हाईली कॉम्पिटिटिव वीडियोज़ हैं. और मैं PhD मैथमेटिक्स हूँ जैसा कि आपको मालूम है, तो मैथमेटिक्स में स्पेशलाइजेशन होने का भी आपको एडवांटेज मिलेगा. तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. विश यू ऑल द बेस्ट.